हरिद्वार जिले के मंगलौर पुलिस ने एक ऐसे मर्डर केस का खुलासा किया है जिसमें पति ने क्राइम शो देखकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। बता दें कि मंगलौर पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहरी पटरी नसीरपुर में एक महिला नहर में डूब गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं नहर में बही महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि इस घटनाक्रम की जांच के दौरान पता चला है कि मृतिका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। जब पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफ हो जाएगा, तो इसी के तहत शातिर पति ने क्राइम शो सीरियल से प्रेरणा लेकर इस घटना को अंजाम दे दिया। एसएसपी ने बताया है कि आरोपी पति ने धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाई और अपने एक अन्य साथी को 5 लाख रुपए देने का वादा करते हुए मृतिका को नशे की हालत में नहर पटरी के पास गंग नहर में धक्का दे दिया। साथ ही पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा। वहीं अब पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम को एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम मनीषा है, वो नहर में गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। जब हमारे अधिकारी, उसमें हमारे कोतवाल हैं, हमारे सीओ एसपी ग्रामीण, जब ये मौके पे पहुंचे तो वो बड़ा संदिग्ध था, वो पूरा सीन ऑफ क्राइम था। तो उसके जब परिजनों से पुलिस ने उनको संज्ञान में मामला डाला था, तो उनके परिजनों ने भी उसकी हत्या की आशंका बताई थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में रखते हुए 302 में यह अभियोग पंजीकृत किया गया और उस महिला के शव की खोजबीन शुरू की गई थी। साथ के साथ जो इनके उसका जो हस्बैंड है अजिंत और विजय प्रकाश उसका दोस्त है, उससे लगातार सख्त जब पूछताछ की गई थी, तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में उस महिला को, मनीषा को, शराब पिला के मारना और उसको बॉडी को नहर में डालने की बात कबूल करी गई।